दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट्स। प्यारे दोस्तों, आज सतोशी कोर ऐप के अंदर लॉन्च होने वाले एक नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रोजेक्ट को सतोशी कोर का हिस्सा बने हुए ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, लगभग एक डेढ़ हफ्ता हुआ है जी। प्रोजेक्ट का नाम है जी ओपन एक्स एक्सचेंज का ये प्रोजेक्ट है। ओपन एक्स इसको कहते हैं, OEX इसका शॉर्ट नेम है, OEX से के नाम से इसको याद किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और ये इससे पहले अगर हम जो माइनिंग कर रहे थे इसके अंदर वो टेस्ट कॉइन ए, टेस्ट कॉइन बी और सी को हम जो है वो माइन कर रहे थे। इसकी माइनिंग हम करें ना करें, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ हैश पावर मिलती थी न्यू रियल प्रोजेक्ट्स को जो है वो क्लेम करने के लिए, ठीक है। जिन लोगों ने इनमें जितनी ज़्यादा मेहनत की थी उसी हिसाब से अब उनको OEX कॉइन जो है वो मिलेगा। इसकी माइनिंग जो है वो जारी है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जी। आपने जो है वो ऐड प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना है, ठीक है जी। और ऐड प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये OEX जो प्रोजेक्ट है ये सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए है जो सतोशी कोर ऐप के अंदर जो है वो माइनिंग कर रहे हैं या उन्होंने ज्वाइन कोर की भी माइनिंग की थी और आगे भी टेस्ट नेट्स चला रहे हैं दीगर प्रोजेक्ट्स के। सो ये एक रियल प्रोजेक्ट है। देखिए आपके सबके साथ ये जो पहले कॉइन्स थे TCA, बी और सी, सबके साथ जो है वो टेस्ट लिखा हुआ है। इसके साथ भी ये टेस्ट कॉइन है, टेस्ट एयर ड्रॉप है, ये भी टेस्टिंग के लिए है और ये सी भी जो है वो टेस्टिंग के लिए है। लेकिन ये जो OEX है ये रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। इसको अगर आपने ज्वाइन करना होगा तो आप अगर पहली दफ़ा करेंगे तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए मेरा तो यहाँ पे एग्जिट एयर ड्रॉप आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट एयर ड्रॉप आएगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप पार्टिसिपेट हो जाओगे इसमें। उसके बाद आपने डेली आके यहाँ पे जस्ट अपनी माइनिंग करनी है, ठीक है जी। और माइनिंग क्या करनी है जी, आपने 24 घंटे में आके जस्ट इधर आके अपने क्लेम कर लेना है। तो इसके लिए आपके पास सतोशी कोर की ऐप जो है वो होनी ज़रूरी है। वो लोग जिन्होंने अभी तक जो है वो सतोशी में एंट्री नहीं ली, भले कोर की माइनिंग नहीं हो रही लेकिन सतोशी ऐप जो है बजाते खुद एक अर्निंग का ख़जाना है। अगर आपके पास ये ऐप है तो आपको आने वाले दौर में इसके अंदर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जिस तरह OEX का प्रोजेक्ट हमें मिला है, इसी तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो यहाँ पे, क्योंकि इनका दावा है सतोशी कोर का कि हम दुनिया के सबसे बड़े जो एयर ड्रॉप देने वाला प्लेटफॉर्म है वो बनने जा रहे हैं, यकीनन बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमें लाखों का फ़ायदा ये दे चुका है कोर की सूरत में। उसके बाद जो है वो इसके ब्लॉक चेन के ऊपर अगर जो टोकन लिस्ट हो रहे हैं उनकी तो हर बात ही अलग है। जैसे कि KZ एंड कॉइन से हमने अच्छे वाला प्रॉफिट अभी कल ही हासिल किया है और आज उसके अंदर मैंने आपको कल रात को एक नई वीडियो दी थी जिसमें हम केक कोर को भी माइन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरी कल की वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अब बात कर लेते हैं जी OEX कॉइन के बारे में जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम इसके बारे में तफसील देखें तो एक तो ये है कि इन्होंने यहाँ पे अपनी ही यहाँ पे उन्होंने शो कर दी है। अगर मैं सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में देखूँ, ये जो मैंने ज्वाइन कर रखा है, इसकी अगर हम डिटेल्स में जाएं तो ये बजाते खुद एक जो है वो एक्सचेंज है, ठीक है जी। और ये लेयर टू को इस्तेमाल करते हुए जो है वो वेब थ्री की एक एक्सचेंज है जो कि डेक्स है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सो इस लिहाज से ये जो है वो बहुत अच्छी जो है वो एक्सचेंज साबित होने जा रही है और OEX जो है वो इसका नेटिव टोकन होगा, ठीक है जी। सो अगर हम इसके ट्विटर हैंडल पे चलें तो अभी इसके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर हम इसके फॉलोअर्स की लिस्ट में देखें तो ये देखिए कोरडाओ ने भी इसको फॉलो कर रखा है। इसके अलावा ये जो CJ रैम है ये बहुत अच्छे जो है वो इन्फ्लुएंसर हैं और जो है वो इसकी डेवलपमेंट टीम में भी शामिल हैं कोरडाओ की। सो इन्होंने भी इसको फॉलो कर रखा है और दीगर कई जो बड़े अकाउंट्स हैं और जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उन्होंने भी इनको फॉलो कर रखा है। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर ही अगर आप बात करें, ये देखें कि ये जो ट्वीट है 13 अप्रैल को उन्होंने की थी कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस आवर ऑफिशियल पार्टनरशिप विद कोरडाओ। तो इन्होंने कोरडाओ के साथ जो है वो अनाउंस कर दिया जी अपनी ऑफिशियल पार्टनरशिप। टू सेलिब्रेट वी आर लॉन्चिंग अ फ्री माइनिंग इवेंट ऑन द सतोशी ऐप, ठीक है जी। यानी सतोशी ऐप के अंदर उन्होंने जो फ्री माइनिंग इवेंट जो है वो शुरू कर दिया है जो कि मैंने आपको बताया है। यू आर एक्टिव थैंक्स फॉर अमेजिंग कम्युनिटी फॉर यूर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो अगर आपने इसमें हिस्सा ले लिया तो उसके लिए वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। टुगेदर वी विल बिल्ड अ यूनिक ओपन एक्सचेंज अनलाइक एनी डेक्स, ठीक है जी। तो ये ओपन एक्सचेंज यानी बना रहे हैं, दूसरी जो एक्सचेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो उनसे हटकर, उनसे बढ़कर एक ज़बरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहे हैं ओपन एक्स के नाम से। सो
चूँकि ये ओ ई एक्स इसका नेटिव टोकन होगा, सो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इसका चूँकि नेटिव टोकन होगा और अगर ये एक्सचेंज अच्छी साबित हुई तो ज़ाहरी बात है ये टोकन तो यूज़ होगा ही होगा बाई एंड सेल में। सो इसके लिए हम कयास कर सकते हैं कि इसका जो रेट है वो बहुत अच्छा आ सकता है। सो सतोशी कोर ऐप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो अर्निंग का ख़जाना है। सो आप के फ़ोन में पाई नेटवर्क के बाद अगर दूसरे नंबर कोई ऐप होनी चाहिए तो वो यही ऐप होनी चाहिए। इस ऐप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको आपने क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो बहुत ही आसान है इसके ऊपर अकाउंट बनाना। आपने सिंपली जो है वो अपना जो है वो ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड देना है और इसके अलावा जो है वो आपने एक कोड भेजना है ओटीपी अपनी ईमेल में और वहाँ से कोड जनरेट करके वापस इसी ऐप में डालना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद btcs.global ये एक छोटा सा लिंक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर आपने आके जो डाउनलोड कर लेनी है इनकी फाइल, भले वो आप एपीके में सूरत में करें, भले आप जो है प्ले स्टोर से करें, सो आपने उनकी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अब बहुत सारे दोस्त, ये तो नए लोगों के लिए मैंने बताया, लेकिन वो दोस्त जो मेरी टीम में शामिल हैं, अगर मैं टीम के ऊपर क्लिक करूं तो यहां पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सुस्ती का मजाक कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अक्सर दोस्तों के सामने ये देखिए रजिस्टर लिखे हुए, इन भाई साहब ने अकाउंट बनाया, रजिस्टर किया, उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं की, यानी फेस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम जब आपका अकाउंट बन जाता है, आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हो और ऐप ओपन करके लॉग इन करते हो तो आपको अपना फेस वेरीफाई करना पड़ता है। सिंपल सी बात यह है कि अब फेस वेरिफिकेशन के बगैर आप इस ऐप को चला नहीं सकते, माइनिंग कर नहीं सकते, एयर ड्रॉप्स ले नहीं सकते। तो उसके लिए सिंपल सी एयर जो फेस वेरिफिकेशन होती है वो करनी होती है, जो कि बहुत ही आसान है। हम आपको पहली गुज़िश्त कई वीडियोस में उसके बारे में बता चुके हैं। अब ये साहब ने भी रजिस्टर किया, वो काम नहीं किया, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं की, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो है वो इनकी माइनिंग रुक चुकी है और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अब सब रजिस्टर रजिस्टर, और या रजिस्टर्ड है तो या फिर जो है वो उनकी माइनिंग सस्पेंड हुई हुई है और उन्होंने वापस ऐप को ओपन ही नहीं किया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सिर्फ चंद लोग हैं। अब ये देखें, ये लोग हैं, अब इसने 3 एयर ड्रॉप्स में हिस्सा लिया हुआ है इन भाई साहब ने, तो इसका मतलब ये है कि ओ ई एक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये ऑनलाइन है एयर ड्रॉपिंग कर रहे हैं लेकिन इन्होंने भी ओ ई एक्स को ज्वाइन नहीं किया। तो अब अगर इस पूरे पेज की बात करूँ मैं तो ये साहब हैं जिन्होंने 4th में पार्टिसिपेट ओ ई एक्स में कर लिया है। अब देखिए, उन्होंने चूँकि पार्टिसिपेट किया है तो वो मेरी रेफरल टीम में है, इसलिए उनकी वजह से ये मुझे डेली जो है वो एक जो है वो सेंट कह लें, जो है वो कोर का जो है वो एक पॉइंट मिलता है 0.01, तो ये मैं जो है वो क्लेम कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हमें कोर की माइनिंग होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इन्होंने 4th में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट पेज अपना रेफरल टीम का देखूँ तो यहाँ पे भी वही सीन है, रजिस्टर्ड हैं या सस्पेंडेंट है, रजिस्टर्ड हैं, बहुत कम लोग हैं जो एयर ड्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इस पेज पे ज़्यादा लोग जो है वो चारों के चारों जो है वो एयर ड्रॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं, ये खुशहाल बात है। लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो रजिस्टर करके तो आगे उनसे वेरिफिकेशन नहीं होती या फिर उनको समझ नहीं आती। तो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको समझ के उसके तरीके के मुताबिक चलें, तभी आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और हम वीडियोज़ भी इसीलिए बनाते हैं आपको समझाने के लिए। सो वीडियोज़ वगैरह और हमारे जो ग्रुप्स वगैरह है, चाहे वो टेलीग्राम का हो चाहे वो व्हाट्सएप का हो, उनको ज्वाइन करके रखा करें ताकि आपको आगाही जो है वो मिलती रहे। सो यहाँ पर सुस्ती का मज़ारा मत कीजिए, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर आप ज़रूर जो है वो उसके अंदर रोज क्लेम भी किया करें, ठीक है जी। 24 घंटे में आके आपने जस्ट यहाँ पे क्लेम ही तो करना है। शुरू में थोड़ी सी वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन या एयर ड्रॉप्स को जो है वो पार्टिसिपेट करना, ये थोड़ा सा वो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो कर ले तो उसके बाद तो डेली आके आपने जस्ट 1 सेकंड में यहाँ से क्लेम ही करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। तो अगर मैं आपको अपने फंड्स की बात बताऊं तो ये देखिए, अब यानी हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है और यहाँ पे मैंने 91 जो है ओ ई एक्स क्वेंस जो है वो मैंने माइन कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो है वो रियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें ये तो टेस्टिंग के हैं ना, ये नीचे ए बी सी, लेकिन ये रियल है। और इसी तरह साथ में ये देखिए, जिस तरह मैंने 0.01 क्लेम की थी ना कोर, और यहाँ पे देखिए 3.56 कोर जो है वो यहाँ से भी हम माइन कर चुके हैं। सो कतरा कतरा का बन के जो है वो दरिया बनता है। कोई भी चीज़ है उसको तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ किया जाए तो ही हम वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। बस अकाउंट बना लेने से अगला सवाल ये करना कि इसका विड्रा कब मिलेगा, ये लॉन्च कब होगी,
तो ऐसे तो काम नहीं होता। कोई भी चीज़ है उसमें जब तक आप मुकम्मल उसके जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं करेंगे, आप वो रिवार्ड क्लेम नहीं कर सकेंगे, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और इस जो OAX को अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो इसके अंदर भी ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एयर ड्रॉप के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।